किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से, यानी मैं कहूँगा कुछ सप्ताह से, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। इतने फ़ोन कॉल आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि इन्हें प्रबंधन इनका करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये जो मेरी धर्मपत्नी जी खड़ी हैं पीछे, ये हर वक्त मेरे को कहती रहती है, ये क्या है, ऑफिस से आते ही अपने फ़ोन पर लग जाते हो, सुबह 6 बजे उठकर फ़ोन पर लग जाते हो, ये क्या है, क्यों है? तो मैंने कहा कि देखिए, कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कितने मेरे से बात करते हैं, उनको कुछ तो खुशी मिलती होगी। तो आज मैंने किया है कि मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, इनका नाम है मीनू त्यागी। और मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु नहीं, ये बोल सकती हैं न सुन सकती हैं, तो इसलिए इन्हें थोड़ा रहता है कि ये सारा दिन फ़ोन पर क्या करते रहते हैं, ये क्या करते रहते हैं। मैं आज बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल मैंने चलाया है और ये जो काम किया है, ये सारा मैं इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जो भी आमदनी होगी किसी भी रूप में इस चैनल से या किताबों की बिक्री से, उसमें से कुछ नहीं लेंगे, वो सब किसानों की सेवा में लगाएंगे। और आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं जो मेरे पास लोगों ने भेजे हैं, बहुत जिज्ञासा है। ये है वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। एक वीडियो मैंने रिलीज कर दी है जिसका टाइटल है वेस्ट डिकम्पोजर से जैविक खेती एक, और अब ये है वेस्ट डिकम्पोजर से जैविक खेती दो। तो आइए अब हम बात करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। किसान भाइयों, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछते हैं, और सबसे अधिक जो सवाल हैं वो है कि मैं किस प्रकार 3000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जो है 5 किलो गुड़ या 10 किलो गुड़ में, अब मैंने सेटल किया है 10 किलो गुड़ में, तो 10 किलो गुड़ में कैसे बना लेता हूं। बहुत सवाल है इसके बारे में, तो उन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो पहला सवाल है, वेस्ट डिकम्पोजर से को इतने कम गुड़ में से कैसे बनाते हैं। किसान भाई, जो मेरे पास पहला उत्तर आया है वो आया है करण पाल सिंह खेड़ा मुगल से। करण पाल सिंह जी एक किसान है, प्रगतिशील किसान है, और मेरे गांव से कुछ दूरी पर ही जिला सहारनपुर में खेड़ा मुगल गांव है। ये सहारनपुर से जो झबरेड़ा की रोड जाती है सिडकी को होकर, उस पर स्थित है ये गाँव। और आज उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, आपकी वीडियो देखकर मैंने भी इसको इतने गुड़ में बनाया और मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, और अब मैं एक बड़ा सेटअप बना रहा हूं। पहले मैंने 1000 लीटर में 10 किलो गुड़ से बनाया, लेकिन जब मेरा 1000 लीटर 5 किलो गुड़ से बन गया तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने माना कि आपने जो किया है टेस्ट वो बिल्कुल सही है, और अब मैं एक बड़ा सेटअप बनवा रहा हूं और इस समय मैं उसमें बिजली की फिटिंग वगैरह करवा रहा हूं। तो देखिए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, आप भी हिम्मत दिखाइए, कर देंगे इसको। दूसरा जो मेरे पास आज फोन आया, आरसी मिश्रा है, विलेज तारिंड कन्नौज के रहने वाले हैं लड़के। ये लड़का बीएससी एग्रीकल्चर है और इसने भी यही पूछा कि सर, आपने ये किस प्रकार बनाया। मैंने कहा भाई, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और साइंटिस्ट हूं, और मैं थोड़ा सोच करके क्यों गुड़ डालते हैं और ये क्यों हिलाने का क्या फंडामेंटल है, इससे हमने प्रैक्टिकल किया, मेरे बेटे ने भी मेरी सहायता की, तो हमने ये प्रयोग किया और हमारा सफल रहा। अब मैं 3000 लीटर में 10 किलो गुड़ डालता हूँ और 4-4 घंटे 2 दिन भी चलाता हूँ, तो मेरा तीसरे दिन सुबह को मेरा जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो जाता। आप भी कर देखिए, कोई मना नहीं है। अगर आपको कोई संशय हो तो ये जो आरसी मिश्रा हैं, इनका फोन नंबर मैं दे रहा हूं आपको, 6394045561, ये इनका नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। और जो करण पाल सिंह जी हैं उनका भी नंबर मैं दे रहा हूं, वो भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आपको इस बारे में अब भी कोई संशय हो तो आप देख लीजिए। ये है सहयोग, ये मेरे पहले कदम की एक तरह से, ये सोचिए कि जो मैंने किया है उस पर इन्होंने ठप्पा लगाया है, प्रमाणित किया है कि
त्यागी जी आपने जो किया वो बिल्कुल, मुझे कुछ लोगों ने पूछा है, फोन को लाते हैं कि हमारे बेस्ट डिकम्पोजर में कीड़े पड़ गए। देखिए एक बड़ा सा अच्छा सा सिद्धांत है, जब भी कोई ठहरा हुआ पानी होता है, ये हमारे ग्रुप में भी डिस्कस हुआ है, जब भी कोई ठहरा हुआ पानी होता है तो वहां पर कीड़े वगैरह पड़ना निश्चित। मेरे वेस्ट डिकम्पोजर में सिर्फ एक बार कीड़े आए थे, बहुत थोड़े। वो क्यों आए थे, और ये सब बातें कर मैंने एक चीज सोची है, आप ड्रम को ढककर रखिए, अगर उसे किसी कपड़े से ढकेंगे इधर उधर से कुछ भी गिरेगा उसमें, एक तो ये कीड़े होंगे और दूसरा उसको जितनी जल्दी हो सके बनाने के बाद उसको प्रयोग करिए। और अगर ढककर रखते हैं और सही गुड़ का इस्तेमाल होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अगर कीड़े पड़ भी गए हैं तो उसको चला दीजिए, दो तीन दिन चला दीजिए और इसको प्रयोग करिए, फेंकना नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। और इसका एक प्रमाण यह है कि ढककर रखने से क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर कृष्ण चंद्र ने एक मटका दिखाया था कि उसमें 2 साल तक उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर को जमीन में रखा था, जब 2 साल तक रहकर उसमें कीड़े नहीं आए तो अब कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप ढककर रखेंगे तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ढककर एक ढक्कन बनवाइए, जैसे मैंने तो बिल्कुल जैसे डॉक्टर कृष्ण चंद्र ने टीन के हैं, तो मैं गया टीन वाले के पास, उससे गोल ढक्कन बनवाए और बड़े अच्छे बनाकर दी, उसके ऊपर रख देता हूँ, ऊपर 1-2 ईंट रख देता हूँ जिससे वो उड़े नहीं और बिल्कुल अच्छी तरह काम आते। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जो कुछ लोगों ने पूछा है कि जब हम बनाते हैं इसमें कुछ फफूंदी आ जाती है, मेरे में भी आई है, लेकिन कई बार आती है कई बार क्यों नहीं आती है, मैंने उसका विश्लेषण किया। ये आपके गुड़ की क्वालिटी के ऊपर हो सकता है। जब मैंने गुड़ किया जिस पे मैं संतुष्ट नहीं था, हो सकता मसाले का हो या कैसा भी था, कुछ में आई है, और जब गुड़ अधिक मात्रा में होता है तो तब जरूर उसमें जो है ना ये इस तरह की थोड़े से झाग और फफूंदी आती है। अगर आप अब जो मैं गुड़ लाता हूं अपने सामने बनवा कर लाता हूं, उसको मैंने बोल दिया है अपने बनाने वाले को भाई ये दवाई में काम आ रहा है इसको नहीं करना, और गुड़ की मात्रा कम हो गई तो इसमें कोई भी इस प्रकार का चीज नहीं दिखाई देती और बड़ा साफ रहता है, लेकिन इसकी महक बिल्कुल ही ऐसी है। जब आप कई बार बनाएंगे तो इसकी महक देखिए और उससे आप पता कर लेंगे कि मेरा वेस्ट डिकम्पोजर खराब है या सही है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। चौथा है कि काला हो जाता है। जो आरसी मिश्रा जी हैं कन्नौज से, उन्होंने आज मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप भी इस बात का ध्यान रखें और थोड़ा चिंतन किया करें। उसने बताया सर काला पड़ता है गुड़ एक कारण से, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर, अगर वो खुला रह गया और उसमें बाहर से कुछ गिर गया, और अगर कुछ बारिश की बूंदे गिर गई या बाहर से कोई पानी गिर गया खराब पानी, और अगर बूंदे हो गई यानी बारिश पड़ गई, तो वो काला हो जाएगा, क्योंकि बारिश में जो गंदगी के कण हैं वो आ जाते हैं। और उसने मुझे ये भी बताया कि सर इसमें से एक जैसे गटर से बदबू आती है वो आने लगती है, तो आपको ढककर रखना है, ये ध्यान रखना है इस चीज। तो आगे से ऐसा न करें कि वो ढका हुआ ना हो, जब भी वेस्ट डिकम्पोजर बनाए उसको ढक कर। कुछ लोग पूछते हैं जी मैं वेस्ट डिकम्पोजर में खली मिला दूं, मैं ये डाल दूं वो डाल दूं, नहीं भाई देखो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। डॉक्टर कृष्ण चंद्र ने ये साफ कहा था एक वीडियो में, एक या दो वीडियो आई थी उनकी, कि जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र बताता है उसके अलावा वेस्ट डिकम्पोजर में कुछ नहीं डालना। अगर आपको खली डालनी है तो वो गोबर को जल्दी खाद कंपोस्ट करने के लिए, मुझे याद नहीं उनकी कोई वीडियो, अगर होगी तो आप विश्वसनीयता कुछ भी मिलाने के लिए एक बार राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में जो डॉक्टर कृष्ण चंद्र की वीडियो, उनकी वीडियो जरूर। और ये सवाल मुझे नहीं पता, मैं तो उसके कुछ ही उत्पाद बनाता हूं, जो मैंने सारे उत्पाद जितने भी बनाए हैं वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। मैं पत्तियों का रस बनाता हूं, मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाता हूं, मैं पत्थरों का रस बनाता हूं, मैं अपना जो केचवा खाद है उसमें प्रकार डाल। मैंने आज कोशिश की है जितने भी सवाल मेरे पास आए थे उनको बताने की। एक आखिरी बार और मैं बता रहा हूं कि आजकल लोगों को गन्ने में बहुत इसका प्रयोग कर रहे हैं, और गन्ने के ऊपर बहुत वीडियो हैं कृष्ण चंद्र जी की,
लेकिन गन्ने की बुआई में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कांछी जो उनकी जो गन्ना बोलते हैं बीज में, उसका उपचार करते हैं, थोड़ी देर रख लीजिए, फिर निकाल दीजिए और डाल दीजिए। और पानी में, गन्ने के पानी में 1000 लीटर प्रति एकड़ में इसके सिंचाई के साथ दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फायदा है। 50% से लेकर 100% तक का गन्ने पर छिड़काव कर सकते हैं। और मेरी सलाह है कि आप सप्ताह में एक बार अवश्य करें और देखिए कीड़े बहुत कम होंगे, आपको किसी दवाई की शायद ही आवश्यकता हो और जमीन बहुत अच्छी होगी। आज भी मेरे पास किसी का फोन आया था कि सर मैंने कर रहा हूं और मेरी जमीन बहुत बदल गई। तो ये था आज वेज डिकम्पोजर पर आपका भाग दो, जिसमें जो सब सवाल थे लोगों के वो इकट्ठे कर मैंने उनको उत्तर देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई सवाल आ गए हों तो आप मुझे सहर्ष लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। एक विनती मेरी फिर है एक बार कि आप मेरे को सीधे कॉल न करें। कुछ लोग मेरे ऑफिस के टाइम में भी कॉल कर लेते हैं और मैं फ़ोन नहीं उठाता, और कभी मेरा ध्यान पड़ गया तो मैं उठा भी लेता हूँ, तो बहुत लंबी बात करते हैं। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है। आप शनिवार और रविवार को दिन में किसी भी टाइम फ़ोन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कार्य दिवस है उसमें ना करें, ये विनती। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।